अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नहतिशा किचन। आज मैं आपके सामने चिकन कोरमा बनाऊंगी, जो कि आपने शादियों में तो बहुत खाया होगा। आज मैं वो आपको घर पर बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार बनता है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है, ये मैंने हड्डी वाली चिकन ली है। फिर 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ले लिया है, फिर 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और नमक ले लिया 1 टेबल स्पून, या आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकती हैं। ये दही है 5 टेबल स्पून और 2 प्याज है मीडियम स्लाइस कर ली मैंने इसको। यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए, इसमें 8-10 लौंगे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 टीस्पून गरम मसाला है, और ये 2 तेज पत्ता है, और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च कश्मीरी है, और 1 टीस्पून ये लाल मिर्च का पाउडर है। 8 से 10 बादाम ले लिएगा और 8 से 10 काजू, और ये मैंने 1 टीस्पून केवड़ा और रोज वाटर मिक्स करके इसमें इलायची भिगो दी है, और ये 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। फिर मैंने धनिया को थोड़े से पानी में भिगो कर रख दिया था 1-2 घंटे के लिए, जिससे ये धनिया बहुत अच्छी तरीके से फूल जाता है और इसका बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है। फिर मैंने एक पतीली ली, उसमें मैंने तेल डाला, उसमें प्याज डाल दी। अब मैं इसको प्याज को लाल करूंगी, जब ये गोल्डन हो जाएगी फ्राई तब तक मैं इसको करती रहूंगी। अभी देखिए इस तरह से ये हो रही है, इसको हमें बहुत ज्यादा जलाना नहीं है, फ्लेम को स्लो रखिएगा, और इसका कलर जब इस तरह से गोल्डन हो जाए, अभी देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गई, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें हम ये खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता डाल के थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे, इसके बाद इसमें हम चिकन को डाल देंगे, और चिकन को हम इसमें इतना तलेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। इसको हम 5 से 6 मिनट तक इसको हम ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। देखिए इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तब तक ही इसको हम इस तरह से फ्राई करेंगे। फिर इसमें जो हमने भिगो कर रखा था वही रोज वाटर केवड़ा वो डाल देंगे, इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती कोरमे की। अब इसमें ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाकर रखा था वो डाल देंगे और नमक डाल देंगे। इसके बाद ये लाल मिर्चों का पाउडर जो था दोनों वो डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले चिकन में अच्छे से मिल जाएं। फिर यहाँ पर हम जग लेंगे जिसमें हम सारे मसालों को पीस लेंगे। जो धनिया हमने भिगो कर रखा था वो हमने इसमें डाल दिया, वो आप इसमें अच्छी तरह डाल दिए। फिर ये दही हमने इसमें मिला दिया, दही को पहले खूब अच्छे से फेंट लेंगे, फिर इसमें आप दही को मिला दीजिए। इसके बाद काजू बादाम डाल देंगे, बादाम का छिलका हमने उतार कर रख दिया था, इसको आप भिगो कर रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए, या गर्म पानी में भिगो दिए तो उतर जाता आसानी से। फिर जो प्याज थी फ्राई की हुई वो भी हम इसमें मिला देंगे। अब इसमें अलग से कोई पानी नहीं डालिएगा, जो दही की प्याली थी उसी को मैंने धोकर उसका पानी मैं इसमें डाल दूंगी। अब इन सब चीजों को अच्छी तरीके से आप ग्राइंड कर लिए, ढक्कन लगा दिए, लिड मैंने, और अच्छी तरह से इन सब चीजों को पीस लेंगे। अभी देखिए ऐसा एक ये फाइन पेस्ट बन गया, और आप देखिए दरदरा नहीं हो, बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बना हो। फिर जो मसाला हमारा भुन रहा था इसमें हम ये सारा मिला देंगे, और जग भी धोकर उसका पानी भी इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी, और देखिए अभी इसमें पानी है। अब मैं इसकी लिड लगाकर इसको धीमी फ्लेम पर, लो फ्लेम पर रख दूंगी 10 मिनट के लिए। और अब मैंने देखिए इसके ढक्कन को खोला है, देखिए ये कितना अच्छा भुन गया है, इसकी बहुत खुशबू आ रही है, और ये बहुत ही मजेदार बना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, जितना मुझे जरूरत है, बस 1/2 कप पानी इसमें आप डालिएगा, क्योंकि कोरमा जो नहीं है बहुत पतला नहीं होता है, ये सिर्फ मसाले और तीरे के ऊपर बनता है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके हम आंच को धीमा कर देंगे, फ्लेम जो नहीं लो रखिएगा, और इसकी लिड को हम लगा देंगे और 6-7 मिनट के लिए इसको बिल्कुल रख देंगे दम पर। अभी देखिए हम रेडी हो गया कोरमा बिल्कुल, और कोरमे को हम बोल में निकालेंगे। ये देखिए हमारा कोरमा रेडी है, और बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा बना है। आप इसको दावतों में जरूर बनाइएगा, तो आप नान के साथ खाइए चाहे रोटी के साथ खाइए। जैसा कि आपने शादियों में खाया होगा, जब आप बनाएंगे हो तो आप देखेंगे वाकई ये बिल्कुल उसी तरीके से बना है, ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगती है, आप इसको जरूर जरूर ट्राई करें,
और लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।